हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो अनबॉक्सिंग आपके सामने लेके आई हूँ वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। ये है सिलिकॉन यूटेंसिल सेट, जो कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। फ्रेंड्स, ये मैंने 513 पीसों की ख़रीदी है यहाँ से। तो जब मैंने इसको देखा था ऑनलाइन में, तो मुझे काफ़ी देर तक डाउट रहा कि पता नहीं ये सही होगा, साइज़ में कैसा होगा या किस तरह का होगा ना। तो मैंने काफ़ी टाइम लगा के इसको परचेज़ करने का सोचा और अब इसको परचेज़ किया है, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। तो चले देखते हैं कि इसमें क्या क्या निकलता है। फ्रेंड्स, मैंने रेड कलर चूज़ किया था। मुझे लगा कि शायद जो लाइट कलर होते हैं कई बार ख़राब हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं, तो मुझे डाउट था कि पता नहीं ये ओरिजिनल भी होगा या नहीं होगा, तो किस तरह का होगा। इसीलिए मैंने डार्क कलर को चूज़ किया था। बट जब मैंने इसको ओपन किया तो ये देखिए, ये बहुत ही, सच में बहुत ही अच्छा निकला। ये बहुत अच्छा इसका प्लास्टिक का मटेरियल है, नीचे होल्स बने हुए हैं जिसमें आप आराम से सभी स्पैचुलास को रख सकते हो। ये देखिए, ये कितना अच्छा है। ये सॉफ्ट भी है और जो इसका ये पीछे वाला पार्ट है ये लकड़ी का नहीं है फ्रेंड्स, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ये टोंग है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में चिमटा भी कहते हैं। ये भी काफ़ी स्मूथ है और सॉफ्ट है। नॉर्मली हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत अपने किचन में काम करने के लिए पड़ती रहती है। ये इसमें एक विस्क दी हुई है जिससे आप इजीली कुछ भी छोटी मोटी चीज़ों को आराम से विस्क कर सकते हो, कर्ड वगैरह को। ये देखिए, ये कड़छी है। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को और सिलिकॉन ओरिजिनल भी है और काफ़ी स्मूथ भी है। और सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि जब हम इनको अपने कुकवेयर्स में यूज़ करेंगे तो ये कोई भी स्क्रैच नहीं छोड़ेंगी। ये देखिए, ये पास्ता नूडल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं आसानी से हम। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा मटेरियल है और काफ़ी लाइट वेट भी है, और जब हम इनको यूज़ करेंगे तो पता ही नहीं चलता है कि हमने मतलब कोई भारी चीज़ को पकड़ा हुआ, कोई भारी स्पैचुला को पकड़ा हुआ है। सीरियसली, ये नॉइस प्रूफ भी हैं, इनकी कोई भी आवाज़ नहीं आती जब हम यूज़ करते हैं, ना इनको हीट से कोई प्रॉब्लम होती है और ना ही इससे हमें कोई मतलब, जैसे कहते हैं ना कि प्लास्टिक को यूज़ करते हैं तो वो सही नहीं होता हमारे फूड के लिए। तो ये सिलिकॉन गुड क्वालिटी का है, ग्रेडेड मटेरियल है जो कि हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 230 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो उसको एग्जिस्ट कर सकती है। ये ब्रश है जिसको हम केक के लिए या किसी भी तरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके ब्रिसल्स देखो कितने लंबे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मटेरियल भी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सारी चीज़ें हैं, और नॉर्मली हम सभी चीज़ों को अपने किचन में यूज़ भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पीछे वाला पार्ट है वो भी लाइट वेट का है प्लास्टिक होने के कारण, और ना ही जलने का डर भी रहेगा इसका। तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया और ये काफ़ी अच्छा भी लगा, बेस्ट क्वालिटी और टॉप ग्रेडेड मटेरियल लगा मेरे को। ऊपर से ये फ्लेक्सिबल है तो और भी अच्छा है। ये काउंट करके देखते हैं कि टोटल कितनी है। ये तो फ्रेंड्स, मुझे देखो ये 531 में टोटल 12 पीसेस जो हैं वो मिल गए हैं। और सच बताऊं तो जब मेरे को मिली थी तो मुझे तो यही लगा था कि मुझे, मेरा कोई जैकपॉट मेरे हाथ लग गया है, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा ये, और साइज़ के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी अच्छा है। मुझे यही लगा था कि छोटे छोटे साइज़ की कहीं स्पैचुला ना हो। ये टोंग को हम इस तरह से बंद कर सकते हैं
और इसी तरह से अंदर प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। पहले तो काफ़ी देर मेरे को इसकी समझ ही नहीं लगी कि किस तरह से करना है, फिर आसानी से इसका मेरे को पता लग गया। तो मुझे रिव्यू मैंने आपको अच्छे से दे दिया है, मुझे लगता है कि अभी आपको आसानी होगी इसको बाय करने में, तो आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा साबित होगा हमारे किचन वेयर के लिए। तो दिवाली आ रही है, आप भी अच्छे अच्छे बर्तन खरीदिए और इन्जॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये रिव्यू आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।